हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मीठू। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल केक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसे बनाना भी बहुत इजी है और इसे हम विदाउट एग विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो इस कढ़ाई में हम डाल देंगे नमक। इस नमक से हम बहुत बार बेकिंग कर चुके हैं तो इसके कलर इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें कोई स्टैंड नहीं तो इस टाइप का कोई रिंग रख दीजिए। इसे कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में रख देंगे। और इधर मैंने लिया 7 इंच का केक टिन। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर इसमें एक वाटर पेपर रखकर इसके ऊपर भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसे मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं। तो आप इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पर मैं एक बोल में ले रही हूँ आधा कप दही, एकदम फ्रेश घर का दही है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा, नहीं तो केक का टेस्ट खराब कर सकता है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मेल्टेड बटर। इसके साथ हम ले रहे हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। दोनों को मिलाकर मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ, मतलब 1/4 कप। अगर आप चाहे तो सेप बटर नहीं तो सेप ऑयल भी ले सकते। और इसके साथ मैं मिला रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब एकदम लाइट और क्रीमी सा हो जाएगा तो हम इसके साथ ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो एक छन्नी के ऊपर हम ले रहे हैं 1 कप मैदा। और मैं इसके साथ मिला रही हूँ 6 टेबलस्पून कोको पाउडर। नॉर्मली जब हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप कोको पाउडर डालते हैं, लेकिन इसमें हम 6 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे। अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। और इसके साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसे छान लेंगे। इसे हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो अभी जो बैटर है काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पर लिया 1/2 कप रूम टेम्परेचर का दूध। तो इसे हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड में बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करते रहेंगे। इसके साथ 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस भी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत देर तक मिक्स नहीं करना। जब एकदम स्मूथ और लम्स फ्री बैटर तैयार हो जाएगा तो हम इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे 2-3 बार टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट्स ना रहे। अब हम इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में रख देंगे। इसे ऊपर से कवर कर देंगे और एकदम लो फ्लेम में 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिएगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो चॉकलेट गनाश के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डार्क कॉम्पाउंड चॉकलेट। ये 500 ग्राम चॉकलेट है तो इसमें से हम 300 ग्राम चॉकलेट लेंगे। तो इसके साथ हम मिलाएंगे क्रीम। तो मैंने यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। तो 300 ग्राम का आधा मतलब 150 ml हम फ्रेश क्रीम मिलाएंगे। अब हम इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पतीला में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसके ऊपर हम चॉकलेट वाला बोल को रख देंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून बटर भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा शाइन आ जाएगा। और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब तक चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे चलाते रहिएगा। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे तो 30 सेकंड के लिए इसे माइक्रोवेव कर लीजिएगा। और अगर 30 सेकंड में चॉकलेट मेल्ट नहीं होती है तो फिर से इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिएगा। लेकिन लगातार 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव मत कीजिए, नहीं तो चॉकलेट जल सकता है। तो ये हमारा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है तो इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे, रूम टेम्परेचर में आने देंगे, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो अभी पूरा 45 मिनट हो चुका है तो अभी केक को भी चेक करते हैं। तो केक अच्छे से बेक हो गया है तो तभी इसे एक बार चेक कर लीजिएगा कोई टूथपिक नहीं तो नाइफ से इस तरह से। तो टूथपिक एकदम क्लियर है तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। अगर टूथपिक गीली आती है तो इसे 5-7 मिनट के लिए और थोड़ा सा बेक कर लीजिएगा। अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा करके डीमोल्ड करेंगे। और इसे ऊपर से इस तरह से कपड़ा से कवर करके रखेंगे ताकि ड्राई ना हो। और केक ठंडा होने के बाद इसे नाइफ से पहले अलग कर लेंगे इस तरह से, फिर एक प्लेट ऊपर रखकर इसे उल्टा कर देंगे। बहुत आसानी से निकल जाएगा एकदम क्लीन होकर। और इसमें जो बटर पेपर है इसे भी हटा देते। तो हमारा एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे लेयर्स में कट करेंगे। पहले ऊपर से थोड़ा सा काट कर इसे प्लेन कर लेते हैं, फिर इसके चारों तरफ नाइफ से इस तरह से कट लगा लेंगे और एक धागा लेंगे, फिर इसमें इस तरह से फंसा कर दोनों किनारों को पकड़ कर खींच लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से कट जाती है। हम इसे 2 लेयर्स में कट कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो 3 लेयर्स भी कर सकते हैं। और केक को मॉइस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक बोल में ले रही हूँ थोड़ा सा पानी। इसमें हम 1 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे।
और 2 चम्मच हम डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चॉकलेट सिरप बनकर तैयार हो गया। अभी हम प्लेट के ऊपर एक केक का लेयर रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप को डालेंगे इस तरह से, इससे केक एकदम मॉइस्ट रहेगा। फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश को डालेंगे और इसका हम एक पतला सा लेयर करेंगे और इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे ऐसे। फिर इसके ऊपर हम केक का दूसरा लेयर रखेंगे और इसे हम उल्टा करके रखेंगे ताकि ऊपर से एकदम प्लेन रहे। और फिर इसके ऊपर भी पहले चॉकलेट सिरप डालेंगे और इसके ऊपर चॉकलेट गनाश को डाल देंगे और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। इसके साइड में भी लगा देंगे। तो ये हमने अच्छे से इसे कवर कर लिया है। अभी हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। कुछ देर बाद जब केक थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हम एक नाइफ लेकर गर्म पानी में डिप करेंगे और इसे क्लीन करके केक को हम स्मूथ कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम केक को स्मूथ कर लेंगे और जो चॉकलेट गनाश बचा हुआ है ये थोड़ा सा जम जाएगा, तो इसे हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और इसके आगे हम एक स्टार वाला नोजल भी रख लिया है और फिर इसके ऊपर हम बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से, और एक सेंटर में भी बना लेंगे। मैंने कुछ चॉको चिप्स लिए हैं तो इसे भी हम साइड में लगा देंगे ऐसे। और मेरे पास एक चॉको रोल था तो इसे भी हम इस तरह से रख देंगे, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा चॉकलेट ट्रफल केक। तो आप इसे कट करते, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। आप इसे बर्थडे के लिए नहीं तो कोई खास मौके पर बना सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।